हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा डिटेल के साथ करा रहा हूँ, वो भी ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ऐसा क्लास, इतना ज़्यादा क्वेश्चन शायद ही यूट्यूब पर किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आज है पार्ट नंबर 11। दोस्तों, कितना भी पार्ट जाए, 15-20 पार्ट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार आपने तैयार कर लिया टाइम स्पीड डिस्टेंस से, हर एक एग्जाम में 5 नंबर का 6 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग बैच योद्धा क्लासेस के तहत चल रही है। डेली आप लोग सुबह 10 बजे लाइव आ जाए, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे लाइव आ जाए, और शाम 7 बजे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होता है, वो बैच आप जरूर लीजिए। तो ये सुबह वाला बैच जो चलेगा, ये कंसेप्ट वाइज और चैप्टर वाइज चलेगा, और शाम वाले बैच में आप सभी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और क्योंकि यहाँ पर कंटेंट और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 14 में से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको 13 नंबर तक का क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताया था, जब विपरीत दिशा में जाए तो एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर और ये इधर, तो जो उनका चाल रहा था उसको हम जोड़ते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे एक ट्रेन है ए, यहाँ पर एक ट्रेन है बी। जो यहाँ पे क्या रखा है, 120 मीटर और 90, इसकी जो लंबाई इस ट्रेन की, यहाँ पे कोई ट्रेन है इसकी लंबाई 120 मीटर है, यहाँ पे कोई ट्रेन है इसकी लंबाई है दोस्तों 90 मीटर, ये दे रखा है। और इसके जो चाल दे रखा वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल है वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है, और शायद क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। अब ध्यान से देखना है, पूछ रहा है समय, कितने समय बाद मिलेंगी। दोस्तों, यह 120 मीटर लंबा है, यह 90 मीटर लंबा है, और इसके बीच की भी दूरी तो 90 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से आपको ये देखना है, तो पूछ रहा कितने समय बाद मिलेंगी। समय का फार्मूला होता है दोस्तों, कितने समय बाद, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जी हाँ दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टोटल अगर हम दूरी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ इसकी लंबाई 120 मीटर और उसके बाद ये जो इसके बीच की दूरी वो भी तो जोड़ी जाएगी, उसकी दूरी है 90 मीटर और फिर ये 90 मीटर। और जो चाल, जब कभी भी विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो उनके चाल होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो चाल है वो इसकी चाल है 80 और इसकी चाल है 55। और यहाँ पे एक बात और देखने वाली बात है कि यह मीटर में, यह मीटर है, तो इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तब जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो सेकेंड में आएगा, क्योंकि जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड के साथ यहाँ पर होता है। तो 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुणा। जी हाँ दोस्तों, दिख रहा है ना, 5/18 से कर देंगे गुणा, और इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 90 90, 180 और 180 और 120 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, बटे 80 और 55 5 और 5 13, यहाँ पे हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा दोस्तों, 135, और यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 5/18 से, इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको आगे जो भी चीजें हैं हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये काटते हैं, देखते हैं कि 3 से कटेगा ये, 3 6 18, 3 4 12, 15, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 5 15, ये हो गया ना, 3 5 15 यहाँ पे हो गया। तो बचा कितना, 300 बटे, यहाँ पे 15 है और यहाँ पर 5 है, 15 का 5 में गुणा करेंगे, 15 5 75, 75/2। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर बड़े वाले बटे के नीचे अगर ये चीज है तो इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 2 का किस में गुणा करेंगे, 300 में, और 75 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। अब इसी को काट देंगे,
पांच से काटेंगे 75 15 और ये 5 6 30 यहाँ पे 0, फिर 15 15 15 14 60 चार और दो का गुणा कर देंगे 4 2 8 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। और हम चले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी के साथ, किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं आगे, आप बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट कर दे दोस्तों, बताइए कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आप लोग तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस समय जो मैं चैप्टर लेके चल रहा हूँ रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते सारे मैं कवर करा रहा हूँ। और इसके बाद शायद बृहस्पतिवार से, जी हाँ दोस्तों, आज और कल मैं ये चैप्टर उम्मीद है कंप्लीट करूंगा, और हम वेडनेसडे से पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ, तो टाइम एंड वर्क हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा टाइम एंड वर्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 240 मीटर कोई लंबी एक रेलगाड़ी है, अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा कि रेलगाड़ी की चाल कितनी, तो यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया हमने रेलगाड़ी की चाल बराबर x की, लास्ट में जो पूछा वही तो लेके चल रहा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि जो दूरी दे रखा है वह 240 मीटर लंबी दे रखा है, और अपने भी सामने से विपरीत दिशा में। अब एक काम यहाँ पे बात देखिए, विपरीत दिशा में जब आता है तो चालों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं चालों को जोड़ देते हैं, तो चालों को जोड़ने का मतलब होता है वो सापेक्ष चाल निकलता है, ट्रेन की चाल आ गई है x और व्यक्ति की चाल है 3, यानी कि x प्लस 3 चाल की जगह पर हम रखेंगे। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब ध्यान से आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे जो चाल दे रखा है वो कितना है, चाल की अगर हम बात करते हैं, चाल यहाँ पे दोस्तों x है ट्रेन की चाल और 3 है व्यक्ति की चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा 5/18 से गुणा, ताकि यह मीटर में आ जाए 5/18। और दूरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दूरी दे रखा 240 मीटर, जी हाँ दोस्तों 240 मीटर दे रखा, समय है 10 सेकेंड, यही तो हुआ, इसी को सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। एक बात और समझ लीजिए, चूंकि यह 240 मीटर में दिया हुआ है और यह सेकेंड में दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू मीटर और सेकेंड में, इसलिए इसको भी हमें मीटर और सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और गुणे 5 बराबर, ये 18 भाग कर इधर जाके गुणा करेगा तो 24 गुणे 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 के x में गुणा करेंगे 5x, 5 का 3 में करेंगे 5 3 15 बराबर 24, 24 का 18 में दोस्तों गुणा अगर हम करते हैं, 24 का 18 में गुणा करने पे 432 आ जाएगा, कितना जाएगा 432, 18 4 72 18 2 36 36 43, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 432 है, यह प्लस 15 इधर आकर माइनस 15, तो 5x बराबर अगर घटाते 12 में से 5 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4, तो यानी कि 5x बराबर आ गया 417। अब x बराबर कितना हो जाएगा 417/5, 5 इसके बगल में इसके नीचे आ जाएगा, तो जब आप 5 417/5 से भाग देंगे तो 83.4 आ जाएगा करेक्ट आंसर किलोमीटर प्रति घंटा, और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करना ही करना, आप लोग शेयर भी करते रहिए, क्योंकि दोस्तों काफी हार्ड वर्क से क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए लाता हूँ, और आप लोग डेली 7:00 आ जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, वो आपके लिए काफी वरदान क्लास साबित हो सकता है। आइए डियर स्टूडेंट लेते क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, कोई ट्रेन है उसकी जो चाल दे रही वो दे रखे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद
एक व्यक्ति उसी दिशा में, अब देखिए उसी दिशा में जा रहा, तो चालों को हम क्या करेंगे, घटाने वाले हैं। उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी श्वेत को 48 सेकेंड पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ध्यान से समझिएगा, दो रेलगा 14, 15, 16, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे कोई ट्रेन है, इसकी जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तो हो गया। उसके बाद एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर, दोस्तों एक व्यक्ति, ये तो ट्रेन तो जा ही रही है, उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा पटरियों के समांतर, जिसकी चाल दूर दे रखी है, ये व्यक्ति की चाल है, किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल, ये दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये व्यक्ति की चाल है, ये दे रखा है। उसके बाद यदि रेलगाड़ी श्वेत को 48 सेकेंड में पार करे, जो ट्रेन है उस व्यक्ति को दोस्तों 48 सेकेंड में पार कर दे रही, यानी कि जो समय दे रखा है वो दे रखा है 48 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, तो कह रहा है क्वेश्चन में रेलगाड़ी, तो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछने का मतलब ये है कि वो पूछ रहा है रेलगाड़ी की दूरी कितनी है। जी हाँ दोस्तों, वो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर, आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी फार्मूले से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये समान दिशा में जा रहा है ना, इसीलिए इनके चालों को हम घटा देंगे, तो क्या करेंगे 30 माइनस 15 कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये चूंकि 48 सेकेंड में है और आंसर भी हमारा मीटर में है, इसीलिए जो चाल है इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे। समय कितना ले रहा है, ये समय कह रहा है 48 सेकेंड में पार करते, कितने सेकेंड में दोस्तों, 48 सेकेंड में, इसी को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर दूरी पता चला, देखते हैं क्या होता है। 30 में से 15 गया 15 गुणे 5/18 गुणे 48, काटते हैं इसको, 6 से काटेंगे 6/48 6 × 3 = 28, इतना हो गया, 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15 हो गया, 8 × 5 = 40 40 × 5 = 200 मीटर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में एनर्जी और दम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना, अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो जोड़ेंगे चालों को, जो भी दिया रहेगा, अगर समान दिशा में जा रहा है तो हम घटाएंगे, ये चीज आपको याद रखना है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, दो ट्रेन है जिनकी चाल किसके अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में उनका चाल है, ठीक है। आगे कह रहा है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जाए, यानी कि विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो उनके चालों को हम जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा विपरीत दिशाओं में जा रहे। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, यानी कि जो प्रत्येक ट्रेन जो चल रही है वो केवल 3 ही सेकंड चली है, तो कह रहा है ये कितने समय में एक दूसरे को पार, यानी कि यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ध्यान से देखिएगा, माना पहली पहली ट्रेन की जो हम स्पीड मानेंगे, पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगा दोस्तों 3x, क्या हो जाएगा 3x, चूंकि जो स्पीड का रेशियो दे रखा वो 3:4, और हमेशा दोस्तों ये रेशियो में देता है, इसके बगल में x या y कुछ भी मान सकते हैं। माना पहले जो ट्रेन की स्पीड है वो 3x है, और दूसरे ट्रेन की स्पीड, यानी कि जो सेकेंड ट्रेन की स्पीड होगी दोस्तों, जो सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ये 4 दिया है ना, तो ये 4x हो जाएगा। बस अब देखिए पूछ रहा कितने समय में पार कर लेंगी, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये जा रहे हैं विपरीत दिशाओं में, जी हाँ दोस्तों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो इनका जो चाल है वो हम जोड़ेंगे, तो 3x और 4x जोड़ लेंगे, लेकिन जो दूरी दोस्तों जो दूरी उसमें क्या यहाँ पे चेंजिंग आ सकती है, इसकी ट्रेन की स्पीड 3x है, ये 3 सेकेंड में कितना जाएगी, 3 × 9x दूरी जाएगी ना, क्योंकि दे रखा है कि ये भी 3 सेकेंड चलती है और यह भी, तो यह 3 में कितना जाएगी, 4 × 3 = 12x, ये टोटल हो गया दूरी, और इसी को हम यहाँ जोड़ लेंगे, 9x + 12x कितना हो जाएगा,
12 ना 21 एक्स बटे 4 3 मिलके 7 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 7 एक कम 7, 7 एक 21, यानी कि 3 जो आ गया आपका 3 सेकंड यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा कंप्लीट करने के बाद आपके लिए सैटरडे एंड संडे, उम्मीद है कि उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस है मेरे पास, सैटरडे संडे का टाइम बच रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो दिन में टाइम स्पीड डिस्टेंस का जितना भी अलग अलग टाइप का आया उसको मैं करवा दूं। उसके बाद मैं बुधवार, सोम मंगल, बुधवार से आपके लिए टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से स्टार्ट करूंगा। एक बार आप पढ़ लेंगे सारे, प्लेलिस्ट से नोटबुक कॉपी बना लीजिए, दोबारा जिंदगी में मैं बता रहा हूँ मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कोई सा भी एग्जाम टफ इजी लेवल देते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बस मेरा सुबह 10 बजे वाला बैच और शाम 7 बजे वाला बैच रेगुलर आप लीजिए, रेगुलर ले और रिवाइज करिए, आपको कहीं और मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, 3-4 महीनों में आप लोग देखेंगे, 3-4 महीनों में आप लोग देखेंगे अगर अच्छे तरीके से पढ़ लो। 4 महीनों में आपसे मांग रहा हूँ, कोई भी पेड कोर्स की बात यहाँ पर नहीं है, कोई पेड कोर्स की बात नहीं कि आप लोग पेड कोर्स लीजिए फिर पढ़िए। 3-4 महीना आप मुझे समय दीजिए, जुलाई तक जाते जाते, जुलाई तक जाते जाते आपका मैथ जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग डेली क्लास लाइव लीजिए 10 बजे और शाम 7 बजे, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है, दो समान लंबाई की, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, यानी कि जो दोनों रेलगाड़ियां है ना उनका जो जो उनका दूरी है वो समान है, ये कहने का मतलब है। एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। जो चाल दे रखा है, एक का चाल दिया 56 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का दे रखा 46 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी गति वाली, तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप बस ध्यान से देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय। दोस्तों इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा जो चाल दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे एक का चाल है 56, एक का 46, चूंकि ये दोनों समान दिशा में जा रहे हैं ना, इसलिए चालों को हम घटा देंगे। तो 56 माइनस 46 समय कितना ले रहा है। लेकिन हम ऑप्शन की तरफ अगर देखते हैं, ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन मीटर में है, इसीलिए जो यहाँ चाल आ रहा है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, ऑप्शन मीटर में, इसलिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और समय कितना ले रहा है, समय कह रहा है यहाँ पे, अगर समय की बात करेंगे तो समय ले रहा 36 सेकंड, 36 से गुणा करा देंगे बस। 56 में से 46 गया 10, गुड़े 5/18 गुड़े 36, तो क्या हो जाएगा, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 10 × 5 = 50, 50 × 100 मीटर। दोस्तों ये 100 मीटर जो आया है ना, ये दोनों रेलगाड़ियों का मिला जुला कर आया है। 100 मीटर दोस्तों जो आया हुआ है, यह दोनों रेलगाड़ियों का मिला कर आया हुआ है, यानी कि जो लंबाई है यहाँ पहले ही दे रखा, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां, यानी कि दो रेलगाड़ी में इसी का दूरी दे रखा है। तो एक रेलगाड़ी का हो जाएगा 50, अगले का भी 50, 50-50 हो जाएगा आपका आंसर। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन 19वां। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, और आप एक कॉपी ले लीजिए, उस पर एग्जाम तक वॉरियर्स लिए, और डेली का डेली जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग नोट करके उसी क्वेश्चन को केवल रिवाइज करेंगे तो भी काम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, जो भी पेड कोर्स में जो पढ़ाया जाता है उससे भी बेहतरीन मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन पेड कोर्स वाले जो भी पढ़ाते हैं मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे अच्छा पढ़ाऊँ, कंसेप्ट एंड ट्रिक वो भी बताता हूँ उनसे बेहतरीन, मतलब मैं भी बेहतरीन करने का ही प्रयास करता हूँ। तो आप लोग अगर पेड कोर्स नहीं लिए, नहीं ले पा रहे, सक्षम नहीं है, तो आप लोग मेरे चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, दो मालगाड़ी है जिनमें से प्रत्येक कितने मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मालगाड़ी ए है और यहाँ पर एक मालगाड़ी बी है,
ये विपरीत दिशाओं में जा रही है, यानी कि जो भी दिया हम उनमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक का जो कह रहा है प्रत्येक 500 मीटर लंबा, अगर यह 500 मीटर लंबी है तो दोस्तों यह भी 500 मीटर लंबी है, ये हो गया। उसके बाद जो चाल दे रखा है पर इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इसकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, ये कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो दोस्तों बस ये पूछ रहा कितने देर में पार कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे पूछ रखा है समय। तो बस वही फिर हम यूज करने वाले हैं, समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डी वाई टी। तो ध्यान से देखेंगे दूरी, यह भी 500 मीटर लंबी है और यह भी 500 मीटर लंबी है, तो 500 मिलकर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो टोटल दूरी हो जाएगी 1000 मीटर। चाल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, चाल चूंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो जोड़ेंगे 45 + 30 करेंगे, यह मीटर में हमने लिया है और ये दोनों जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बस ये काम आपको थोड़ा सा देखकर अच्छे तरीके से सेट करके करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तब तक। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, जगह है 1000/45-30 मिलकर कितना हो जाता है 75 × 5/18। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे है 1000, ये जो नीचे 18 है भाग करा ये ऊपर जाकर गुणा करेगा और क्या बचेगा हमारे पास 75 × 5, काट पीट देंगे इसी से 25 × 75 = 25, यहाँ पे आ गया 40, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 5 × 1 = 5, 5/40। अब 8 × 6 = 8, 48 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बताइए वीडियो समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, जो भी आपको क्वेरी है आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट कर दें, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोग आराम से इसको पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, अर्थात 20वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट और क्वालिटी दोनों एक साथ मिलता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर पर स्थित है। दो स्टेशन है ए तथा बी, वो दोनों एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर है ए और यहां पर है बी, ये दोनों जो स्थित है वो है 110 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 110। और ये कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे, यहां से 7 बजे एक ट्रेन यहां से जाती है, और यानी कि इसकी जो चाल दे रखी है सवन ये दे रखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके ये तो 7 बजे चलती है, इसकी चाल 20 है, लेकिन ये ट्रेन कह रहा है कि यह ट्रेन 20 ए की ओर जाती है 8 बजे, ये ट्रेन 8 बजे जाती है और इसकी जो चाल दे रखी है S2 ये दे रखा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दे रखा है S2 का 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है वे किस समय मिलेंगे। ध्यान से दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने इसी टाइम स्पीड डिस्टेंस में करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आए अगर ये 8 बजे चलाना तो इसको भी आपको 8 ही बजे चलाना होता है। तो ये टोटल दूरी 110 है, हो सकता है वहां पे वैल्यू कुछ और रहा हो, याद नहीं पड़ रहा थोड़ा सा। यहाँ पे देखना है 110 है, लेकिन अगर हम इसको 8 बजे चलाते हैं, 8 बजे अगर यह ट्रेन चल रही है तो 8 बजे इसको भी चलाएंगे, तो ये इसकी चाल जो यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो ये 20 किलोमीटर इसने तय कर लिया, तो बची दूरी कितनी हो गई, बची दूरी 110 में से 20 का कितना बचा, 90 किलोमीटर की दूरी इन्हें क्या करना है, तय करना है। अब ये भी 8 बजे स्टार्ट होगा, ये भी 8 बजे स्टार्ट होगा। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, पता ही है दूरी हमारे पास बची है 90 और चाल विपरीत दिशा में जा रहे, तो जोड़ देंगे 25 और 20 मिलकर 45, 45 से कम 45, 45 दूरी 90, यानी कि 2 घंटे के बाद वे मिल जाएंगी,
ये भी 8 बजे चलती, ये भी 8 बजे, 2 घंटे के बाद मिल जाएंगी, तो 8 और 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 बजे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। तो बस बताइए क्वेश्चन का लेवल आज का कैसा था। जी हाँ दोस्तों बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा था। शाम वाले बैच में आप लोग शाम 7 बजे जरूर आइए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और मैं प्रयास करूंगा कि द प्लेटफॉर्म का जितना भी सेट है, इसे मेरे पास जो प्लेटफॉर्म का बुक है Volume 2, तो शायद मैं उससे आपको करवाऊँ और प्रीवियस ईयर का मजा दिलाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, जो भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, और ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, जैसे हो गए राहुल हो गए, इरफान हो गए, मनोज चौबे, गोविंद, दीपक, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दानिश खान, ये सब मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मुझे नाम अभी फिलहाल में नाम लूंगा तो नाम लेते ही रह जाऊंगा। तो इन सब स्टूडेंट ऐसे हैं रेगुलर मेरे वीडियोस को मतलब वॉच करते हैं, और आप सभी भी वॉचिंग करिए। और सभी के लिए मैंने कल जो है एक सरप्राइज दिया है, सुबह 11 बजे, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और जो भी क्यूरी आपसे रिलेटेड सो भी संबंधित चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं। बस वीडियो कहीं पर इंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है।